हाँ बच्चों, कैसे हो? तो आज अपन जूलॉजी नंबर 8 गुरुनीति में जेनेटिक्स वाला जो टॉपिक है उसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आओ शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट जो है उसकी तरफ अपने को इसमें देखना है कि सबसे लार्जेस्ट कौन सा है और सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है। तो सबसे अगर लार्जेस्ट देखे तो वो है जीनोम। और आप लोग जानते हैं कि हैप्लोइड सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है ना, गुणसूत्रों के अगुणित समुच्चय को जीनोम बोलते हैं। जैसे ह्यूमन जो सेल है वो 2N46 है, तो उसमें जो जीनोम है वो है N में 23 है ना, उसी को अपन जैसे लिंकेज ग्रुप भी कह सकते हैं। तो जीनोम जो है उसमें क्रोमोसोम के N नंबर आते हैं ना, यानी काफी सारे क्रोमोसोम है, तो वो लार्जेस्ट है। उसके बाद में क्रोमोसोम ले लेंगे, और क्रोमोसोम के बाद में अगर देखें तो हमें लेना है जीन। और जीन जो है उसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो है वो 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, 100000 भी हो सकते हैं ना। तो इसका मतलब है कि जीन जो है वो न्यूक्लियोटाइड से तो बड़ा है। और उस जीन के बाद आता है कौन? न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड जो वो एक मोनोमर है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब डीएनए का ना। तो जीन के बाद अपने को क्या लेना है इसमें? न्यूक्लियोटाइड। तो उसके अकॉर्डिंग अपने को फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट जो है वो कौन सा हो जाएगा? थर्ड, जीनोम, क्रोमोसोम, जीन और उसके बाद न्यूक्लियोटाइड। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पहले न्यूक्लियोटाइड दे दिया और फिर जीन दे दिया, तो जीन में तो कई न्यूक्लियोटाइड हो सकते हैं, इसलिए ये वाला अपने को नहीं लेना है। और इसमें क्रोमोसोम पहले दे दिया और जीनोम बाद में दे दिया, इसलिए गड़बड़ हो गया। और इसमें क्रोमोसोम दे दिया, फिर जीन दे दिया और फिर जीनोम दिया, ये भी गड़बड़ हो गया ना। तो जैसे न्यूक्लियोटाइड की अगर बात करें तो पेंटोज शुगर में राइबोज या डीऑक्सीराइबोज जो है आरएनए या डीएनए के अकॉर्डिंग, उस शुगर के साथ जब ये नाइट्रोजन बेस जुड़ता है तो वो न्यूक्लियोसाइड बनाता है, और न्यूक्लियोसाइड के साथ जब फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है तब वो न्यूक्लियोटाइड बनता है मोनोमर। और ऐसे कई न्यूक्लियोटाइड मिलके एक जीन बनाते हैं, ऐसे कई न्यूक्लियोटाइड मिलके एक जीन बनाते हैं। और ये जीन आप लोग जानते हैं प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, अलग अलग टाइप के होते हैं, मोनोसिस्टोनिक, पॉलीसिस्टोनिक। और वो जो जीन है जो लीनियर फैशन में डीएनए पे अरेंज हैं, लीनियर फैशन में अरेंज होते जाते हैं ना, तो एक लीनियर फैशन में अरेंज होने के बाद में वो पूरा एक डीएनए के अंदर अरेंज हो जाते हैं। और वो डीएनए फिर हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिलके क्रोमेटिन बनाता है, और फिर नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिलके वो पूरा एक क्रोमोसोम के अंदर असेंबल हो जाता है ना। तो लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट के अकॉर्डिंग जो अपना आंसर हो जाएगा थर्ड। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग जनरेट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन। वेरिएशन जो ऑर्गेनिज्म को के लिए एसेंशियल होती है सर्वाइवलशिप के लिए, क्योंकि अपने एनवायरनमेंट में उनको अडेप्ट होना पड़ता है, और अडेप्टेबिलिटी के लिए जो वेरिएशन है उनका होना जरूरी है, जो नेचुरली उनके अंदर क्रिएट होती है। और आप लोग जानते हैं वो 2 टाइप की, कॉन्टीन्यूस और डिसकॉन्टीन्यूस। कॉन्टीन्यूस वेरिएशन जो है वो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के कारण है, और डिसकॉन्टीन्यूस वेरिएशन म्यूटेशन के कारण है। कॉन्टीन्यूस वेरिएशन नॉन रैंडम, डायरेक्शनल, स्मॉल, एक्यूमुलेटिंग डार्विन वेरिएशन है, हर जनरेशन के अंदर जनरेट होगी, मोस्ट कॉमन है। डिसकॉन्टीन्यूस वेरिएशन रैंडम, नॉन डायरेक्शनल, सडन, लार्ज और नॉन एक्यूमुलेटिंग टाइप की होती है, जिसके रिगार्डिंग म्यूटेशन थ्योरी में भी आप लोगों ने पढ़ा है, साल्टेशन जिसकी बात की थी, साल्टेशन है ना, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। तो वेरिएशन के कोज के रेस्पेक्ट में ही यहाँ पर पूछा गया है। तो पार्थिनोजेनेसिस जो है उसमें तो अनफर्टिलाइज एक जो वो मेल या फीमेल में चेंज होता है, तो वहाँ पे कोई ऐसी वेरिएशन क्रिएट नहीं होती है। और पार्थिनोजेनेसिस जो है वो ट्रू सेंस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नहीं है, लेकिन उसमें वो यूनिपेरेंटल है ना, इसलिए वहाँ पर कोई वेरिएशन जनरेट नहीं हो रही है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो इसमें वेरिएशन जनरेट हो सकती है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसके अंदर जेनेटिक गैमेटोजेनेसिस के दौरान जो होमोलोगस क्रोमोसोम में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में जो जीन एक्सचेंज होता है ना, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, तो उसकी वजह से जो है वेरिएशन जनरेट होती है। इसके अलावा मेल फीमेल दोनों के अंदर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के बाद जब गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस जो चल रही होती है,
तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के बाद प्रोफेज वन के अंदर, है ना, बाद में जब वो मेटाफेज के ऊपर क्रोमोसोम असेंबल होते हैं ना, तो वहां पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है क्रोमोसोम का, और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के कारण भी वेरिएशन जनरेट होती है ना। तो इसलिए करेक्ट आंसर जो है वो कौन सा होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यूक्लियर पॉलीएम्ब्रियोनी के रेस्पेक्ट में भी अगर देखे तो ऐसा कोई वेरिएशन में रोल नहीं है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है, जिसके अंदर जो यूनिपेरेंटल है इतना वेरिएशन जनरेट नहीं होती है। तो अपना आंसर हो जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और उसमें भी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन तो उससे जनरेट हो रही है आपकी कॉन्टिन्यूस वेरिएशन, है ना, और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है उसकी वजह से भी जो वेरिएशन है वो क्रिएट होती है प्रोजेनी के अंदर। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स के रेस्पेक्ट में अगर बात करें तो ये लगातार सेल्फिंग से जनरेट होते हैं, जिसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन किया जाता है, और लगातार सेल्फिंग की वजह से जैसे आप लोग देखें कि कैपिटल टी स्मॉल टी है ना, तो इनमें जब सेल्फिंग की जाएगी तो कैपिटल टी स्मॉल टी जनरेट होता है। ये मान लो F1 थी, F1 में सेल्फिंग कराई तो F2 आया, फिर F2 में इनमें सेल्फिंग की तो सारे के सारे F3 में ऐसे ही आएंगे, इनमें सेल्फिंग की तो सारे के सारे F3 में ऐसे ही आएंगे, लेकिन इसमें जब सेल्फिंग की तो ऐसे भी जनरेट हुए, ऐसे भी आए और ऐसे भी आए, है ना। फिर इसमें फिर सेल्फिंग की तो F4 आया, तो कैपिटल टी यहाँ पे कैपिटल टी यहाँ पे तीनों कॉम्बिनेशन, यहाँ पे ओनली ये वाले। इस तरीके से लगातार सेल्फिंग से कोई ट्रेट स्टेबल फॉर्म में कई जनरेशन तक मूव कर रहा है। जैसे हाइट के रेस्पेक्ट में देखें तो टॉलनेस कई जनरेशन तक स्टेबल फॉर्म में आगे मूव कर रही है, ड्वार्फनेस कई जनरेशन तक जो आगे मूव कर रही है, तो लगातार सेल्फिंग का ही रिजल्ट है ये, है ना। और इसी से जो है वो ट्रू ब्रीडिंग लाइन, मतलब प्योर प्लांट प्योर ऑर्गेनिज्म जनरेट होते हैं। तो ट्रू ब्रीडिंग प्लांट के रेस्पेक्ट में प्रोड्यूस ड्यू टू क्रॉस पोलिनेशन नहीं, यहाँ पर होगा सेल्फ पोलिनेशन, इसलिए ये वाला तो रॉन्ग हो गया। नियर होमोजाइगस, लगभग ये होमोजाइगस है, एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग ऑफ इट्स ओन काइंड, और ये अपने जैसे ही ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। ये परफेक्ट स्टेटमेंट है। आप लोग देखें कि जब लगातार सेल्फिंग होती जा रही है तो होमोजाइगोसिटी बढ़ती जा रही है। ये देखो कि यहाँ पे 50% होमोजाइगस है एंड 50% हेटरोजाइगस है। उसके बाद F3 की बात करें तो 75% होमोजाइगस है एंड 25% हेटरोजाइगस है ना। तो होमोजाइगोसिटी बढ़ती जा रही है, इसलिए यहाँ पर नियरली टर्म यूज किया गया है। बाकी ट्रू ब्रीडिंग लाइन के रेस्पेक्ट में देखें तो वो प्योर होते हैं, होमोजाइगस होते हैं, और अगर इस प्योर की प्रोजेनी की बात करें तो वो भी प्योर होगी। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग ऑफ इट्स ओन काइंड, अपने जैसी ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि तभी एनसीईआरटी में लिखा है कि स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस फॉर मेनी जनरेशन, है ना। फिर यहाँ देखें ऑलवेज होमोजाइगस रिसेसिव नहीं, होमोजाइगस रिसेसिव के साथ साथ होमोजाइगस डोमिनेंट भी होते हैं, इसलिए ये वाला गलत हो गया। ऑलवेज होमोजाइगस रिसेसिव इन इट्स जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, होमोजाइगस रिसेसिव के साथ साथ होमोजाइगस डोमिनेंट भी होते हैं। फिर ये देखें कि वन दैट इज एबल टू ब्रीड ऑन इट्स ओवन, एक ऐसा जो खुद से ही ब्रीडिंग कर पाए, मतलब यहाँ पर जो है सेल्फ पोलिनेशन जैसी ही कोई बात हो रही है। लेकिन अगर ऐसी हम लोग बात करें तो उसमें जरूरी नहीं है कि स्टेबल रूप से ट्रेट आगे मूव करे, क्योंकि उसमें कुछ हेट्रोजाइगस भी जनरेट हो सकते हैं। तो कुछ इसमें भी सेल्फिंग जैसा फिनोमिना है, लेकिन इससे ज़्यादा परफेक्ट जो ऑप्शन है वो अपना कौन सा है, सेकंड, है ना, इसलिए आंसर हो जाएगा कौन सा, सेकंड। अमंग द फॉलोइंग करेक्टर विच वन वाज नॉट कंसिडर्ड बाई मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट, है ना, पी प्लांट में जो करेक्टर लिए गए थे वो 7 करेक्टर थे, जिनके अंदर अगर देखें तो ये जो ट्राइकोम्स है ग्लैंडुलर नॉन ग्लैंडुलर, इसको नहीं लिया गया था। बाकी सीड कलर के लिए, पोड शेप के लिए और स्टेम हाइट के लिए ये तीनों करेक्टर उसमें लिए गए थे।
which one from the those given below is the period from Mendel hybridization experiment? आप लोग जानते हैं कि 1856 से 1863 तक 7 ईयर तक उन्होंने पी प्लांट पाइसम सेटायम पर अपने एक्सपेरिमेंट किए थे. हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज डिड मेंडल सेलेक्ट? है ना, ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज कितनी सेलेक्ट की थी उन्होंने? 14 सेलेक्ट की थी. हर करेक्टर की दो वेराइटी ली थी, जैसे हाइट है तो उसकी दो वेराइटी थी, टोल एंड ड्वार्फ प्योर. ऐसी बाकी के 6 करेक्टर की भी हर करेक्टर के अकॉर्डिंग दो दो वेराइटी थी, जो टोटल 14 वेराइटी थी. दो स्टेटमेंट दिए हैं, चलो देखते हैं. मेंडल स्टडीड 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट इन पी प्लांट एंड प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. सही है ना, 7 पेयर लिए थे ट्रेट के, यानी हर करेक्टर जो था उसके उसका 1 पेयर हो गया. जैसे अभी मैंने बताया कि जो टॉल है तो उसमें, सॉरी, जैसे हाइट वाला है तो उसमें एक टॉल और एक ड्वार्फ, है ना. सीड कलर में जैसे एक है येलो और एक है ग्रीन, इसी तरीके से. फिर स्टेटमेंट 2 देखें कि 7 करेक्टर एग्जामिन्ड बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट वर सीड शेप, सीड शेप एंड कलर ठीक है, फ्लावर कलर ठीक है, पोड शेप एंड कलर सही है, फ्लावर पोजीशन सही है, स्टेम हाइट भी सही है. इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर. तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है ना, तो यहाँ पे बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, क्योंकि जो इस सेकंड के अंदर करेक्टर दिए हैं उनकी बात हुई है ना. और करेक्टर में तुम लोग वो जानते हो कि सीड शेप भी था, सीड का कलर भी था, फ्लावर कलर था, पोड शेप था और पोड का कलर भी था. सीड जो है उसकी शेप भी थी, कलर भी था, पोड शेप भी और कलर भी है ना. कलर के करेक्टर 3 है, सीड कलर, फ्लावर कलर एंड पोड कलर. इसके अलावा फ्लावर पोजिशन, स्टेम हाइट वगैरह सब थी. एलील जो है अगर देखें तो वो एक जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म होती है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम जो है पैटर्नल एंड मैटर्नल उनपे बिल्कुल एग्जैक्टली एक दूसरे के आमने सामने प्रेजेंट होते हैं. तो ये है एलील और एलिलोमॉर्फ. तो जैसे ये भी एलील है, देखो कैपिटल टी, और ये भी एलील है कैपिटल ए स्मॉल ए, लेकिन ये आपस में नॉन एलिलिक फॉर्म है. ये एलिलोमॉर्फ है लेकिन ये नॉन एलिलिक फॉर्म है, समझे. तो यहाँ पे देखें कि डिफरेंट मॉलिकुलर फॉर्म ऑफ जीन, ये देखो डिफरेंट मॉलिकुलर फॉर्म ऑफ जीन ही क्या है, एलील है. बाकी जरूरी नहीं कि ऐसा हो कि यहाँ पे कैपिटल टी फी भी हो सकता है. तो डिफरेंट मॉलिकुलर फॉर्म ऑफ जीन जो एनसीईआरटी लिखा है वो इस हेटरोजाइगस कंडीशन के लिए लिखा है ना. तो एलील्स आर डिफरेंट मॉलिकुलर फॉर्म ऑफ जीन. बाकी तो ये परफेक्ट ऑप्शन है, हेटरोजाइगस तो कंडीशन दी है, डिफरेंट फिनोटाइप भी नहीं होगा, ट्रू ब्रीडिंग होमोजाइगोट के लिए भी नहीं. परफेक्ट आंसर अपना कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट, है ना. बाकी एक ऐसा भी ऑप्शन हो सकता है कि अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, एक जीन जो है उसकी अल्टरनेटिव जो रूप है वो ही उसके क्या है, एलील है. इसमें एक फादर से इनहेरिटेड होता है और दूसरा मदर से. ओके, यहाँ पे अपने को जो पूछा गया है कि एक टॉल ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पी प्लांट है, कैपिटल टी ले लेते हैं, इज क्रॉस्ड विद ए ड्वार्फ ट्यूब ब्रीडिंग प्लांट स्मॉल टी, तो उनसे जो F1 आएगा वो तो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, है ना, जो कि टोल होगा. व्हेन F1 प्लांट इज सेल्फ द रिजल्टिंग जीनोटाइप वर इन द रेशियो. अच्छा, इसमें सेल्फिंग की गई है ना, तो इसमें सेल्फिंग की तो देखना 25%, 50% एंड 25%. ये देखो 1:2:1 आएगा, है ना. तो जीनोटाइप पूछ रहा है ना, तो 1:1, तो 1:1 में टॉल एट्रोजाइगस, टॉल एट्रोजाइगस तो 2 है जिसके अंदर 1 दिया तो गड़बड़ हो गया. 3:1 नहीं, ये तो फिनोटाइप है, ये भी फिनोटाइप वाला है. ये देखना 1:1 कि टॉल होमोजाइगस ये रहा, फिर 2 टॉल हेट्रोजाइगस ये रहा, और फिर 1 ड्वार्फ ये रहा. तो आंसर हो जाएगा कौन सा अपना, 4. The production of gametes by the parents, formation of zygote, the F1, F2 plant can be understood from the diagram called. तो ये तो जो है पनेट स्क्वायर के रेस्पेक्ट में बात की जा रही है, जो ब्रिटिश साइंटिस्ट जो थे जेनेटिस्ट RC पनेट ने दिया था, जिसमें अलग अलग जो पेरेंट्स हैं मेल फीमेल
उनके गैमेट्स जो हैं उनकी प्रोबेबिलिटी को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है वो रखा जाता है इस तरीके से। यहाँ पर गैमेट्स आ जाते हैं और बीच में जो है वो जायगोट कॉम्बिनेशन आ जाते हैं, ठीक है। ओके, स्नैपड्रैगन इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाला क्वेश्चन है ये कि स्नैपड्रैगन जो प्लांट है उसमें रेड फ्लावर प्लांट का जो क्रॉस है, रेड फ्लावर प्लांट मतलब कैपिटल आर का क्रॉस व्हाइट फ्लावर प्लांट से किया, तो इसमें एफ वन तो पिंक आएगा क्योंकि वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाला है। पिंक फ्लावर प्लांट वर ऑप्टेंड, ओके बाद में क्या लिखा है कि व्हेन पिंक फ्लावर वर सेल्फ देन एफ टू जनरेशन सो व्हाइट रेड पिंक फ्लावर चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके, तो जब इसमें सेल्फिंग की तो तुम्हें पता है कि फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों ही सेम आएगा, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, है ना। ये तो है रेड, ये है पिंक और ये है व्हाइट, तो अपने को इसमें क्या देखना है, इनकरेक्ट। चलो पहला देखते हैं कि द रेशियो ऑफ एफ टू इज 1/4 रेड, 2/4 पिंक एंड 1/4 व्हाइट, ये तो ठीक है। फिर दूसरा है कि द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डज नॉट अप्लाई, नहीं सेग्रीगेशन तो होगा ही ना, गैमेट्स बन रहे हैं, क्रोमोसोम अलग हो रहे हैं, होमोलोगस तो जीन भी अलग होंगे, है ना, उनके एलील भी अलग होंगे, तो ये वाला गड़बड़ हो गया, ये तो ठीक है। दिस एक्सपेरिमेंट डज नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, हाँ ये भी परफेक्ट है कि इसमें डोमिनेंस का प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता, अगर होता तो 3:1 आता, लेकिन यहाँ पर 1:1 आया है। और पिंक कलर इन एफ वन इज ड्यू टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये भी सही है, पिंक कलर जो एफ टू में आया वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के कारण है, क्योंकि रेड कलर वाला कैपिटल आर जीन उस पर कम्प्लीटली डोमिनेंट नहीं था ना, तो गलत पूछा था और गलत जो है वो कौन सा हो जाएगा, सेकेंड। Which Mendelian idea is depicted by a cross in which the F1 generation resembles the both parent? अगर F1 दोनों जन पेरेंट जैसा नजर आए तो उसको बोलते हैं कोडोमिनेंस, ये देखो, और F1 किसी एक जैसा नजर आए तो वह डोमिनेंस, और F1 दोनों का इंटरमीडिएट हो तो वो होगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ओके, यहाँ पे क्या पूछा, बड़ा क्वेश्चन है और लास्ट में, मतलब If two person with AB blood group marry and have sufficiently large number of children, these children could be classified A, AB, B, है ना, तो ऐसा रेशियो आता है, तो मॉडर्न टेक्निक जो इलेक्ट्रोफोरेसिस की है उसमें पता लगता है कि A और B दोनों प्रोटीन जो है ब्लड ग्रुप में किसी इंडिविजुअल में प्रेजेंट है, तो ये जो है वो को डोमिनेंस वाला क्वेश्चन है कि एक जो पेरेंट्स हैं AB वाले ऐसे, उनके बच्चों जो हैं वो अलग अलग ब्लड ग्रुप वाले आएंगे, और उसमें एक बच्चे के ब्लड में आरबीसी की सरफेस एंटीजन का जब इलेक्ट्रोफोरेसिस किया गया तो पता लगा ए बी एंटीजन था और बी भी था, इसका मतलब वो किसको शो करता है, कोडोमिनेंस को। मल्टीपल एलील आर प्रेजेंट, देखो मल्टीपल एलील जो है उनकी स्टडी पॉपुलेशन लेवल पे होती है, इंडिविजुअल लेवल पे एक व्यक्ति के अंदर दो ही एलील होते हैं ना, तो इसका मतलब है अगर अपने ब्लड ग्रुप आई जो है एबीओ ब्लड ग्रुप में आई जीन है उसके तीन एलील है आई ए आई बी एंड स्मॉल आई, तो एक पॉपुलेशन के अंदर तीनों है लेकिन एक इंडिविजुअल भी दो ही होंगे, जैसे ये देखना ये एक पॉपुलेशन एक्स है, पॉपुलेशन एक्स उसमें इंडिविजुअल ऐसा भी है आई ए उसमें इंडिविजुअल आई ए आई बी भी है, उसमें इंडिविजुअल जो है वो आई बी भी है, उसमें इंडिविजुअल स्मॉल आई भी है, उसमें इंडिविजुअल आई ए स्मॉल आई ए भी है, उसमें आई बी स्मॉल आई भी है, देखो हर टाइप के इंडिविजुअल हैं, ए ब्लड ग्रुप वाला, ए बी ब्लड ग्रुप वाला, बी ब्लड ग्रुप वाला, ओ ब्लड ग्रुप वाला, ए ब्लड ग्रुप वाला, बी ब्लड ग्रुप वाला, तो एक पॉपुलेशन में सारे एलील है लेकिन एक इंडिविजुअल में दो ही एलील है, ये देखो कोई एट अ टाइम कोई दो ही एलील, इसका मतलब है अगर कोई दो ही एलील है तो वो बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने होंगे, जैसे आई ए आई बी या आई ए स्मॉल आई या आई बी आई बी, इसका मतलब है अगर मल्टीपल एलील की बात करें तो वो भी प्रेजेंट एट सेम लोकस ऑफ क्रोमोसोम, सही है। नॉन सिस्ट क्रोमेटेड से ज़्यादा परफेक्ट ये फर्स्ट वाला अपना हो जाएगा, डिफरेंट क्रोमोसोम नहीं, डिफरेंट लोकाई नहीं, है ना, तो परफेक्ट जो ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। ए मैन विद ब्लड ग्रुप ए, एक आदमी है जिसका ब्लड ग्रुप जो है वो ए है, और उसका मतलब है वो ब्लड ग्रुप ए इस वजह से भी हो सकता है और वो ब्लड ग्रुप ए इस वजह से भी हो सकता है। मैरिज ए वुमेन विद ब्लड ग्रुप बी,
इसका मतलब है वो बी ब्लड ग्रुप इस वजह से भी हो सकता है और बी ब्लड ग्रुप इस वजह से भी हो सकता है। क्या पूछा है? व्हाट आर द पॉसिबल ब्लड ग्रुप ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग, है ना। तो अगर अपन मान लेते हैं कि उनका ब्लड ग्रुप जो है अच्छा सीधा ही पूछा है ना, तो अगर ऐसी कंडीशन है तो उनके बच्चों में चारों ब्लड ग्रुप की पॉसिबिलिटी है, ए बी 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 ए बी बी और ओ बी। कैसे वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। मान लो ए और बी इस जीनोटाइप के कारण है तो जो प्रोजेनी है उसमें फिनोटाइप और इधर लिख देते हैं जीनोटाइप, है ना। तो देखना इधर से आई ए इधर से आई बी, तो ब्लड ग्रुप हो गया ए बी, आई ए आई बी, है ना। ये जो कॉम्बिनेशन है उसमें ए की ब्लड ग्रुप और ए की जीनोटाइप पॉसिबल है। ये कॉम्बिनेशन लेते हैं कि फादर आई ए आई ए और मदर आई बी स्मॉल आई, तो देखना आई ए आई बी तो अपना आ चुका है। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बचा, आई ए स्मॉल आई, इसका मतलब ए ब्लड ग्रुप, ठीक है। तीसरा कॉम्बिनेशन ये लेते हैं चलो, तो इसमें भी देखना आई ए आई बी अपना आ चुका है, तो ए कॉम्बिनेशन क्या नया बनता, आई बी स्मॉल आई यानी बी ब्लड ग्रुप, आई बी स्मॉल आई। और लास्ट जो कॉम्बिनेशन है वो ये वाला अपना, तो इसमें भी देखना आई ए आई बी अपना आ चुका है और आई ए स्मॉल आई भी आ चुका है और आई बी स्मॉल आई भी आ चुका है, लेकिन क्या नहीं आया, स्मॉल आई इसका मतलब ओ ब्लड ग्रुप। ये देखो स्मॉल आई इसका मतलब है अगर फादर दोनों पेरेंट्स में उनमें जिन ब्लड ग्रुप का फिनोटाइप ए और बी है तो प्रोजेनी के अंदर ये चारों फिनोटाइप ब्लड ग्रुप के पॉसिबल है, ठीक है। इसलिए आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ए जीन शोइंग कोडोमिनेंस हैज, एक जीन जो कोडोमिनेंस शो करता है, जैसे अपन बात करें आई ए और आई बी की, है ना। तो आई ए ने भी कोई एंजाइम एक्स बनाया और आई बी ने कोई एंजाइम वाई बनाया, और एंजाइम एक्स कोई शुगर ए ऐड करता है और एंजाइम वाई कोई शुगर बी ऐड करता है, यानी दोनों फिनोटाइप में एक्सप्रेस हो रहे हैं, है ना। तो चलो देखते हैं इसमें क्या है कि एक जीन शोइंग कोडोमिनेंस हैज वन एलील डोमिनेंट ऑन अदर एलील, नहीं दोनों ही डोमिनेंट होंगे, एलील टाइटली लिंक्ड ऑन सेम क्रोमोसोम, नहीं लिंकेज का ऐसा कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं है, एलील दैट आर रिसेसिव टू ईच अदर, नहीं वो तो डोमिनेंट होते हैं, और कोडोमिनेंस में जो दोनों एलील हैं वो हेटरोजाइगस कंडीशन से करते हैं, और चौथा क्या है बोथ एलील इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस इन द हेटरोजाइगस, ये देखो इन द हेटरोजाइगस कि दोनों एलील इंडिपेंडेंटली हेटरोजाइगस कंडीशन के अंदर एक्सप्रेस हो रहे हैं, जैसे एंटीजन ए एंटीजन बी जो आरबीसी के ऊपर एक्सप्रेस होता है इंडिपेंडेंटली, ठीक है। तो आंसर अपना कौन सा हो जाएगा, फोर। द जीनोटाइप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ का ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप दिए है, और क्या पूछा है जीनोटाइप फिनोटाइप के कॉम्बिनेशन, चलो देखते हैं कि हस्बैंड और ये हो गया वाइफ और फिनोटाइप और इधर लिख देते हैं जीनोटाइप। हस्बैंड का जीनोटाइप क्या दिया है भाई, आई ए आई बी, और वाइफ का दिया है आई ए स्मॉल आई, इसका मतलब है इधर ब्लड ग्रुप होगा ए बी और इधर ब्लड ग्रुप होगा ए। तो प्रोजेनी की अगर बात करें तो प्रोजेनी के अंदर ब्लड ग्रुप की पॉसिबिलिटी अगर देखें तो देखें आई ए आई ए, है ना, तो एक ब्लड ग्रुप हो गया ए, आई ए आई ए, आई ए स्मॉल आई, आई ए स्मॉल आई उसमें ब्लड ग्रुप हो गया ए, है ना। फिर लेते हैं बी वाला, आई ए आई बी यानी ब्लड ग्रुप हो गया ए बी, जीनोटाइप हो गया आई ए आई बी, है ना, आई ए आई बी। और फिर ए कॉम्बिनेशन और क्या है, आई बी स्मॉल आई, आई बी स्मॉल आई, तो इधर ब्लड ग्रुप लिख देते हैं बी। ये देखो तो जीनोटाइप तो पॉसिबल है चार और फिनोटाइप पॉसिबल है तीन, ऐसा ऑप्शन कौन सा है, फोर जीनोटाइप एंड थ्री फिनोटाइप, आंसर हो जाएगा सेकंड।
विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन, अगर देखें तो ए बी ओ ब्लड ग्रुप जो है उसमें जो जीन है वो कौन सा आई, और उस आई जीन में तीन एलील्स हैं, और उन तीन एलील में देखना आई ए आई बी एंड स्मॉल आई, ये भी डोमिनेंट है, ये भी डोमिनेंट है, लेकिन ये रिसेसिव है, है ना। और इसके अकॉर्डिंग अगर फिनोटाइप देखें तो ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप एंड ओ ब्लड ग्रुप है। और ए बी ब्लड ग्रुप में जीनोटाइप आप लोग जानते हैं आई ए आई ए या आई ए स्मॉल आई, और ओ जो रिसेसिव है उसमें आई ए स्मॉल आई सॉरी, है ना। तो मल्टीपल एलिलिज्म भी है, और आप लोग देखें कि ए ब्लड ग्रुप में जैसे आई ए स्मॉल आई लिख दो, बी ब्लड ग्रुप में आई बी स्मॉल आई लिख दो, और ए बी में आई बी लिख दो। अब देखो डोमिनेंस है, ये देखो डोमिनेंस, ये देखो डोमिनेंस, कोडोमिनेंस भी है, ये देखो कोडोमिनेंस आई ए आई बी, मल्टीपल एलील भी है, ये देखो 1 2 3, लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस यहां पर नहीं है ना, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस से भी रिलेटेड नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ए बी सी, डोमिनेंस भी, कोडोमिनेंस भी और मल्टीपल एलिज्म भी, ए बी सी। ए बी सी कौन सा है अपना, ये रहा थर्ड। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द जीन आई दैट कंट्रोल ए बी ओ ब्लड ग्रुप, काफी बार इसको डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चन भी जो है वो टॉपिक वाइज सेट किए हुए हैं, ये सारे के जो क्वेश्चन अपन डिस्कस हो रहे हैं वो ब्लड ग्रुप वाले हैं। ओके, तो व्हेन आई ए आई बी आर प्रेजेंट टुगेदर देयर एक्सप्रेस सेम टाइप ऑफ शुगर, नहीं, यहाँ पे जो शुगर होगी वो डिफरेंट टाइप की होगी, क्योंकि आई ए जो है वो एक एंजाइम बनाता है, उस एंजाइम का नाम है एन एसिटाइल ग्लेक्टोसाइल ट्रांसपिरेज। आपको पूरा एंजाइम का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए ऐसे बता रहा हूँ कि जो आई ए जीन है वो जो एंजाइम कोड करता है उसका नाम है एन एसिटाइल ग्लेक्टोसाइल ट्रांसपिरेज, और जो आरबीसी होती है उस पे किसी अदर ऑटोसोमल जीन के थ्रू कोई एंटीजन पहले से एक्सप्रेस रहता है, उसको बोलते हैं एच एंटीजन, समझ रहे हो। ये एच एंटीजन एक प्लेटफॉर्म देता है, और उसी एच एंटीजन के ऊपर ये एंजाइम कौन सा, एन एसिटाइल ग्लेक्टोसाइल ट्रांसपिरेज जो कोड हुआ है आई ए जीन से, यहां पर एन एसिटाइल ग्लेक्टोसाइल सुगर जो है ऐड करता है, समझ रहे हो। तो ये एन एसिटाइल ग्लेक्टोसाइल सुगर ऐड की गई है। इसी तरीके से जो जीन आई बी है वो एंजाइम E1 मान लेते हैं इसको E2, और ये ग्लेक्टोसाइल ट्रांसपिरेज एंजाइम कोड करता है, और ये ग्लेक्टोसाइल सुगर जो है एच एंटीजन के ऊपर ऐड कर दी जाती है। इस तरीके से अगर देखें तो दोनों जो सुगर हैं जो एच एंटीजन पे जुड़ी है वो डिफरेंट है, सेम नहीं है ना, इसलिए गलत हो गया। फिर एलील आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी सुगर, ये तो परफेक्ट है कि स्मॉल आई जो एलील है वो कोई सुगर प्रोड्यूस नहीं करेगा, क्योंकि अगर स्मॉल आई कंडीशन है तो ये दोनों ही एंजाइम एब्सेंट होंगे, और उस पर्सन की आरबीसी पे एच एंटीजन खाली रह जाएगा वो प्लेटफॉर्म, उसमें ना तो ए सुगर होगी और ना ही बी सुगर, है ना। तो एलील आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी सुगर, ये तो ठीक है, इसमें पूछा क्या था, रोंग पूछा था, तो रोंग तो अपना पहले ही हो गया, दूसरा तो ठीक है। तीसरा देखते हैं कि जीन आई है थ्री एलील, सही है, अभी बात की थी, ए पर्सन विल हैव ओनली टू ऑफ द थ्री एलील, वेल यही अपन ने शुरू में बात भी की थी कि एक पर्सन के अंदर तीन में से कोई दो ही एलील होंगे, क्योंकि मल्टीपल एलील जो हैं वो एक साथ पॉपुलेशन लेवल पे ही प्रेजेंट होते हैं, इंडिविजुअल में दो ही होते हैं, तो इसमें गलत पूछा था, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। What is the expected percentage of F2 progeny with yellow inflated pod? अच्छा चलो इसको लिख लेते हैं कि उससे पहले आप लोग देखें कि एक तो है सीड कलर, ठीक है, एक ले लेते हैं पोड कलर, और इसमें डोमिनेंट एंड रिसेसिव। तो आप लोग जानते हैं कि सीड कलर में जो डोमिनेंट है वो कौन है, येलो, और रिसेसिव जो है वो कौन है, ग्रीन, और इसी को पोड कलर में अपने को उल्टा याद रखना है कि पोड कलर में डोमिनेंट कौन हो जाएगा, ग्रीन, और रिसेसिव कौन हो जाएगा, येलो,
समझे। अब क्वेश्चन में हो कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड परसेंटेज ऑफ एप्टू प्रोजेनी विद येलो एंड इनफ्लेटेड पोड, है ना। तो इसका मतलब है पोड येलो दी है और एक पोड के लिए और अगर देखें तो फुल और इनफ्लेटेड, ये डोमिनेंट करेक्टर है, और कॉन्स्ट्रिक्टेड जो है वो रिसेसिव करेक्टर है ना। तो अब इसको अपन क्वेश्चन के अंदर रखते हैं कि ऐसी प्रोजेनी है ना जिसमें एक तो है रिसेसिव और दूसरा है डोमिनेंट, है ना। तो ऐसी प्रोजेनी कितनी होगी अगर क्रॉस किसमें किया जाए, पी प्लांट विद ग्रीन कलर्ड एंड इनफ्लेटेड ग्रीन कलर, तो पॉड में अगर देखें तो ग्रीन जो कलर है वो क्या है, कौन सा है, डोमिनेंट, और इनफ्लेटेड भी क्या है, डोमिनेंट, है ना। तो ग्रीन एंड फुल डोमिनेंट है ये, मान लो कैपिटल जी कैपिटल जी, कैपिटल एफ क्रॉस किया, येलो ये देखो येलो रिसेसिव एंड फिर क्या दिया है कॉन्स्ट्रिक्टेड, तो स्मॉल जी स्मॉल एफ येलो एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड, तो ये तो डाई हाइब्रिड क्रॉस ही हो गया, है ना। और इसके अंदर आप लोग देखो कि ये एफ वन आया कैपिटल जी कैपिटल एफ स्मॉल एफ, और फिर एफ टू लाएंगे सेल्फिंग करने के बाद तो 9 3 3 1 वही है डाई हाइब्रिड, और 9 कैसे होंगे ग्रीन एंड फुल, 1 कैसा होगा येलो एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड, और ये 3 एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, और ये वाला भी एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, है ना। तो यहाँ पे जो प्रोजेनी है इसमें देखिए आप लोग कि F2 प्रोजेनी विद येलो एंड इनफ्लेटेड पोड, है ना। तो येलो अगर देखें तो वो रिसेसिव है और इनफ्लेटेड देखें तो वो डोमिनेंट है, यानी ये रिकॉम्बिनेंट है, तो ये 3/16 है, 3/16, तो इसका परसेंटेज अगर हम लोग निकालें तो जब परसेंटेज निकालेंगे तो अप्रोक्सीमेटली अपना जो है ये डेटा अपने को मिल जाएगा, इसके आसपास डेटा आ जाएगा, है ना। तो इसी एक तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था, आपको मान लो ऐसे फिनोटाइप वाला पूछता तो आपको क्या करना था 9/16 × 100, आपको अगर ये पूछता येलो ग्रीन तो आपको 1/16 × 100 कर लेना था, ठीक है। ओके वही दो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है कि मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डज नॉट होल्ड गुड फॉर जीन दैट आर लोकेटेड क्लोजली ऑन सेम क्रोमोसोम, हाँ ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है उसका एक्सेप्शन है लिंकेज, क्योंकि जो जीन एक क्रोमोसोम पे दूर दूर है या अलग अलग क्रोमोसोम पे उनमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा ना, ये तो ठीक है स्टेटमेंट। क्लोजली फिर क्या दिया है कि क्लोजली लोकेटेड जीन असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, नहीं क्लोजली लोकेटेड जीन का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होगा क्योंकि उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर जो है वो कम होगा ना, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो ए तो सही है लेकिन आर जो वो गलत है ना, तो ऐसा ऑप्शन अपने को देखना है इसमें, ए इज करेक्ट एंड आर इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सेकेंड। द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन एंड प्रपोज्ड बाय तो सटन एंड बोवेरी के द्वारा दी गई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ऑफ टू जीन दैट सो 50% रिकॉम्बिनेशन, अगर दो जीन 50% रिकॉम्बिनेशन शो कर रहे हैं इसका मतलब वो दूर दूर है या अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हो सकते हैं, नॉट ट्रू पूछ रहा है। चलो द जीन सो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट करेंगे, अगर 50% रिकॉम्बिनेशन हो रहा है तो करेंगे, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा। इफ द जीन आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम दे अंडरगो मोर देन वन क्रॉसिंग ओवर, अगर वो एक ही क्रोमोसोम पे है और 50% रिकॉम्बिनेशन भी हो रहा है, ये देखो कैपिटल ए स्मॉल ए और ये मान लो कैपिटल बी स्मॉल बी, तो उसमें एक से ज्यादा क्रॉसिंग ओवर होंगे, ये देखो क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है, ये भी ठीक है बात। द जीन में भी ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, जीन अलग अलग क्रोमोसोम पे भी हो सकते हैं। द जीन आर टाइटली लिंक्ड, नहीं 50% अगर रिकॉम्बिनेशन हो रहा है तो लिंकेज का तो यहाँ पे बात हम लोग करेंगे नहीं, टाइटली लिंक्ड वो नहीं होते, तो गलत कौन सा हो जाएगा 4। ओके विच
is the most common mechanism of genetic variation in population of sexually reproducing organism. है ना, अपने शुरू में बात की थी कि sexually reproducing organism जो है उनमें gametogenesis के दौरान genetic recombination होता है ना. ऐसा ही ऑप्शन कौन सा इसमें है, देखना ये genetic recombination between non-cyst chromatid of homologous chromosome. Chromosomal aberration तो म्यूटेशन है और वो डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन क्रिएट करता है. ट्रांसडक्शन अलग फिनोमिना है जो आप लोगों ने बैक्टीरिया वायरस के बीच में जीन ट्रांसफर के थ्रू पढ़ा है. जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो सडन रैंडम चेंज है जीन फ्रिक्वेंसी में, स्मॉल पॉपुलेशन के इवोल्यूशन में पढ़ते हैं ना. तो मोस्ट कॉमन पूछ रहा है ये अपन ने रिकॉम्बिनेशन वाली बात इसमें शुरू में भी की थी. लिंकेज टर्म जो है वो किसने दिया ये यहाँ पर, तो टी एच मॉर्गन. ओके, इन ए टेस्ट क्रॉस इन्वॉल्विंग एफ वन डाई हाइब्रिड फ्लाइज और एफ वन डाई हाइब्रिड फ्लाइज जो हैं उनके रेस्पेक्ट में टेस्ट क्रॉस की बात हो रही है, यानी इस तरीके से. फिर क्या दिया है, मोर पेरेंटल टाइप ऑफ स्प्रिंग वर प्रोड्यूस देन रिकॉम्बिनेंट टाइप. दिस इंडिकेट अगर पेरेंटल टाइप ज़्यादा आ रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट कम आ रहे हैं टेस्ट क्रॉस के थ्रू, तो इससे हमें ये पता लगेगा कि लिंकेज है और वो भी कैसा इनकम्प्लीट लिंकेज है ना. तो ऐसा देखना है. क्रोमोसोम फेल टू सेपरेट ड्यूरिंग मियोसिस, नहीं ये तो जो है एन्यूप्लोइडी वाली कंडीशन क्रिएट करेगा. द टू जीन आर लिंक्ड एंड प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, हाँ ये बात सही है कि दोनों जीन लिंक्ड और एक ही क्रोमोसोम में प्रेजेंट है. और ये लिंकेज भी कैसा होगा, कंप्लीट लिंकेज नहीं इनकम्प्लीट लिंकेज. बोथ ऑफ करेक्टर आर कंट्रोल्ड बाई मोर देन वन जीन, नहीं ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. द टू जीन आर लोकेटेड ऑन डिफरेंट नहीं सेम ही क्रोमोसोम पे, और सेम क्रोमोसोम पे भी न तो ज़्यादा दूर है और न ही ज़्यादा पास में है ना. तो जैसे कैपिटल ए कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, तो कुछ दूरी पे है तो कुछ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा. द फ्रिक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन टू जीन पेयर ऑन सेम क्रोमोसोम एज ए मेजर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन जीन वर एक्सप्लेन्ड बाई है ना, कि दो क्रोमोसोम है उनके बीच में कितना जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा, वही उनके बीच का उनके बीच की डिस्टेंस होगी. जैसे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड डिस्टेंस, अगर ए और बी के बीच में 10% रिकॉम्बिनेशन है तो 10 सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस है. अगर बी एंड डी के बीच में 20% रिकॉम्बिनेशन है तो 20 सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस होगी. और इसके रिगार्डिंग अल्फ्रेड स्टुअर्टिवेंट ने बात की थी है ना, मॉर्गन के स्टूडेंट थे. उन्होंने बताया था कि जितना परसेंट रिकॉम्बिनेशन होगा वो उनके बीच की डिस्टेंस होती है, और हाइपोथेटिकल यूनिट दी थी सेंटीमॉर्गन या मैप यूनिट. व्हाट मैप यूनिट सेंटीमॉर्गन इज ए अडॉप्टेड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ जेनेटिक मैप है ना. अभी बात की थी कि एक यूनिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन जीन ऑन क्रोमोसोम रिप्रेजेंट बाय 1% क्रॉसिंग ओवर, और 1% क्रॉसिंग ओवर का मतलब है 1 सेंटीमॉर्गन. ओके, ये उसी लिंकेज वाले ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है ना. तो इस क्वेश्चन के अंदर कुछ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग परसेंटेज दिया है और उसके अकॉर्डिंग क्रोमोसोम पे उन जीन के ऑर्डर का पता लगाना है. तो आप लोग देखें इसमें कि इसमें सबसे ज्यादा जो डिस्टेंस है वो कहां पे है. जैसे अपन लोग एक बार यहां पर लिख देते हैं, इसमें ए एंड सी जो है वो है 5%, ठीक है. फिर बी एंड सी के रेस्पेक्ट में दिया है 15%. फिर बी एंड डी के रेस्पेक्ट में दिया है 9%. फिर ए एंड बी के रेस्पेक्ट में क्या दिया है 20%. फिर सी एंड डी के रेस्पेक्ट में दिया है 24%. और फिर लास्ट में क्या दिया है ए एंड डी, कितना ए एंड डी है 29 है ना. तो सबसे पहले ए और डी को लेना है अपने को, और इनके बीच में कितना 29 सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस, जितना रिकॉम्बिनेशन उतना डिस्टेंस आ जाएगी. तो ये अपना फर्स्ट तो हो गया. उसके बाद सी एंड डी,
ये मान लो सी यहां ले लेते हैं, और सी एंड डी के बीच में कितना ले लें, 24 सेंटीमोर गए, ये आ गया। उसके बाद ए एंड बी, और ए एंड बी के रेस्पेक्ट में अगर देखें तो 20 दिया है ना, और ए और बी यानी इसको यहाँ बीच में यहाँ रख लेते हैं बी को, और 20 ये मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर, ये भी हो गया। फिर बी एंड डी, एंड बी एंड डी ये रहा बी एंड डी, ये मान लेते हैं 9 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद बी एंड सी, एंड बी एंड सी कहाँ है, बी एंड सी 15, ये रहा बी एंड सी 15 सेंटीमोर्गन। उसके बाद ए एंड सी, और ए एंड सी अपना ये रहा 5, है ना, तो 5 + 15 20 हो गया ना, तो यही परफेक्ट कॉम्बिनेशन अपना क्या बेटा, फिर ए सी बी डी, ए सी बी डी कहाँ है, ये रहा ए सी बी डी, बाकी तो इसमें हो रहा ही नहीं है ना। ए सी बी डी भी हो सकता है या डी बी सी ए भी हो सकता है, ठीक है, गलत स्टेटमेंट देखना है। चलो पहला क्या है, इन डोमेस्टिकेटेड फॉल्स सेक्स ऑफ प्रोजेनी डिपेंड ऑन टाइप ऑफ स्पर्म, नए टाइप ऑफ एग होगा ना, क्योंकि जो बर्ड्स हैं उसमें जेड डब्लू जेड जेड जो सिस्टम है उसमें फीमेल हेटेरोजाइगस है, तो टाइप ऑफ एग डिटरमाइन करेगा सेक्स को, है ना, तो ये गलत हो गया। ह्यूमन मेल है वन ऑफ देयर सेक्स क्रोमोसोम मच शॉर्टर देन द अदर, बिल्कुल सही है, वाई जो है वो एक्स के कंपैरिजन में छोटा होता है, गलत ही पूछा था, ये तो गलत हो ही गया, ये सही है स्टेटमेंट। बाकी देख लेते हैं, मेल फ्रूट फ्लाई इज हेट्रोगेमेटिक, सही है, वो एक्स वाई कंडीशन होती है उसके अंदर, और जो फीमेल है वो एक्स एक्स है, लेकिन फ्रूट फ्लाई की अगर बात करें उसमें वाई क्रोमोसोम सेक्स डिटर्मिनेशन में इन्वॉल्व नहीं है, वो केवल मेल की फर्टिलिटी को डिसाइड करता है, उसमें जो क्रोमोसोम है एक्स क्रोमोसोम ऑटोसोम उनका रेशियो वर्क करता है। इन मेल ग्रास ऑपर 50% ऑफ स्पर्म हैव नॉन सेक्स क्रोमोसोम, ये भी परफेक्ट है क्योंकि उसमें एक्स 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 ओ कंडीशन है ना, और 50% ये तो फीमेल है और ये मेल है, क्योंकि और अगर ये मेल है तो उसमें 50% स्पर्म में तो एक्स होगा और 50% में एक्स होगा ही नहीं, है ना, तो ये भी सही है, तो गलत पूछा था तो वो फर्स्ट हो जाएगा। एक्सोटाइप, अभी बात की एक्सोटाइप का सेक्स डिटरमिनेशन किसमें होता है, ग्रास ऑपर में। मूवमेंट ऑफ जीन फ्रॉम वन लिंकेज ग्रुप टू अदर लिंकेज ग्रुप, जैसे मान लो ये 7th क्रोमोसोम है, ये 6th क्रोमोसोम पे है, इससे कोई जीन अगर इस पे आ रहे तो इसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, ठीक है। मैकेनिज्म दैट कॉज ए जीन टू मूव फ्रॉम वन लिंकेज ग्रुप टू अदर, अभी जो बात की थी सेम वही है, ये लिंकेज ग्रुप अलग है, ये लिंकेज ग्रुप अलग है, इससे अगर कोई जीन इस पे आ रहा है तो वो क्या होता है, ट्रांसलोकेशन, वही चीज है। ओके, पेडिग्री किससे रिलेटेड क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। सबसे पहले ऑटोसोमल डोमिनेंट चेक करते हैं, और डोमिनेंट की अगर हम लोग बात करें तो उसकी शर्त है कि डोमिनेंट में से कम पेरेंट्स में कोई एक अफेक्टेड होना चाहिए, है ना, तो यहाँ आप लोग देखें कि दोनों पेरेंट तो नॉर्मल हैं और बच्चों में डिजीज दी है ना, और डोमिनेंट में शर्त है कि कम से कम एक पेरेंट में डिजीज होती है, तो डोमिनेंट तो नहीं होगा, ये भी हटा दिया और ये भी हटा दिया, अब तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन बचे, एक्स लिंक्ड रिसेसिव और ऑटोसोमल रिसेसिव। चलो ये चेक करते हैं XLR, अगर XLR की अगर हम लोग बात करें तो XLR के अकॉर्डिंग, जैसे ये अगर जीनोटाइप हम लोग लिखें तो इस डॉटर में डिजीज आई है, इसका मतलब मदर जो है वो क्या है, कैरियर, तो पॉसिबिलिटी है डॉटर के डिजीज होने की, क्योंकि फादर से भी जो डिजीज वाला जीन है एक्स के थ्रू वो डॉटर में आ सकता है ना। और उसके बाद यहां आप लोग देखें कि इस मदर में दोनों एक्स क्रोमोसोम पे डिजीज वाला, मान लो कलर ब्लाइंडनेस का जीन है, तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव की शर्त है कि अगर मदर अफेक्टेड है तो सारे सन अफेक्टेड होंगे, लेकिन यहां पर तो सन को नॉर्मल दिखा रखा है,
क्योंकि सन में फादर से वाई आएगा और मदर से एक्स आएगा, और मदर में तो एक्स डिफेक्टिव है, तो बच्चे उस लड़के में डिजीज होनी चाहिए। इसका मतलब है ये एक्स एल आर भी नहीं है, तो बच गया क्या, ए एल आर, ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव है ना। उसमें देखना इसमें डिजीज नहीं होगी, इसमें डिजीज नहीं होगी कैरियर है, इसमें डिजीज होगी ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव में। तो चलो मैं जीनोटाइप लिखता हूँ स्मॉल ए स्मॉल ए, और इसमें डिजीज है स्मॉल ए स्मॉल ए, यानी एक स्मॉल ए मदर से, सॉरी फादर से, और एक स्मॉल ए मदर से, यानी मदर कैरियर है। ये देखो फिर स्मॉल ए स्मॉल ए, तो ये दोनों कैरियर है, कैपिटल ए भी हो सकता है, कैपिटल ए स्मॉल ए भी, यहाँ पे स्मॉल ए स्मॉल ए, यहाँ पे कैपिटल ए भी हो सकता है, कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकता है, लेकिन ये कैपिटल ए स्मॉल ए ही होंगे। फिर कैपिटल ए भी हो सकता है, कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकता है, लेकिन ये सब नॉर्मल दिया है, तो जैसे कैपिटल ए स्मॉल ए, इसमें डिजीज है स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, यानी फादर भी क्या है, हेटरोजाइगस। ये देखो तो कैपिटल ए भी हो सकता है, कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकता है, तो जीनोटाइप के अकॉर्डिंग ए एल आर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए एल आर, ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव। ए वुमेन हैज एन एक्स लिंक्ड कंडीशन ऑन वन ऑफ हर एक्स क्रोमोसोम, एक एक्स क्रोमोसोम जो है उस पे एक्स लिंक्ड कंडीशन है कोई, दिस क्रोमोसोम कैन बी इनहेरिटेड बाय, ओके, तो जैसे ये फादर और ये मदर है ना, तो एक्स वाई और एक्स एक्स, और इनकी जो प्रोजेनी है, इनसे जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होगी, लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है। और मान लो इस पे इस क्या लिखा है क्वेश्चन में, ए वुमेन हैज एन एक्स लिंक्ड कंडीशन ऑन वन ऑफ हर एक्स क्रोमोसोम, मान लो वो हीमोफीलिया का जीन है एच, तो ये एक्स क्रोमोसोम उसके डॉटर में भी जा सकता है, और ये एक्स क्रोमोसोम उसके सन में भी जा सकता है। ये देखो इस मदर में जो एक्स क्रोमोसोम है उसके डॉटर में भी जा सकता है, और वो जो पर्टिकुलर ट्रेट का एक्स क्रोमोसोम है वो सन में भी जा सकता है, और अगर इस डॉटर में गया है तो इस डॉटर से वो एक्स क्रोमोसोम इसके सन में भी जा सकता है, और वो इसकी इसकी डॉटर में भी जा सकता है, और ये एक्स क्रोमोसोम इस सन से केवल इसकी डॉटर में जाएगा, सन में नहीं जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग देखना है कि दिस क्रोमोसोम कैन बी इनहेरिटेड बाय, कि ये क्रोमोसोम किसके थ्रू इनहेरिटेड होगा, तो इसमें लिखा है ओनली ग्रैंड चिल्ड्रन, केवल ग्रैंड चिल्ड्रन के थ्रू, तो ग्रैंड चिल्ड्रन तो ये सारे ग्रैंड चिल्ड्रन ही है, लेकिन इनके सन भी तो होंगे, इनकी डॉटर भी तो होंगी, तो यहां पर ओनली के कारण गड़बड़ हो गया। फिर बोथ सन एंड डॉटर, ये देखो सन में भी जा रहा है डॉटर में भी जा रहा है, ये तो सही लग रहा है, परफेक्ट है, ओनली सन नहीं डॉटर में भी तो जा रहा है, ये गलत हो गया, ओनली डॉटर नहीं सन में भी तो जा रहा है, ये भी गड़बड़ हो गया। तो इसका मतलब है सन में भी डॉटर में भी, ग्रैंड डॉटर में भी, ग्रैंड सन में भी मूव कर सकता है, ठीक है, लेकिन जो डॉटर है उससे जो है वो सन में भी जा सकता है, ग्रैंड सन में भी जा सकता है, ग्रैंड डॉटर में भी, लेकिन जो सन है उससे वो केवल उसकी ग्रैंड डॉटर के अंदर ही मूव करेगा, इनकी ग्रैंड डॉटर में। गलत देखना है ना सिंबल में पेडिग्री के, ये क्या लिखा है, कॉन्सेंग्विनियस मैरिज मैटिंग जो ब्लड रिलेशन है उनमें नहीं, उसके लिए तो साइन ऐसा आता ना, ये गड़बड़ हो गया, ये नॉर्मल पेरेंट और उनके बच्चे के लिए सही दिया है, सेक्स अनस्पेसिफाइड ये भी सही दिया है, अफेक्टेड इंडिविजुअल भी सही दिया है, गलत है फर्स्ट। इफ बोथ पेरेंट आर कैरियर फॉर थैलेसीमिया, अगर दोनों पेरेंट थैलेसीमिया के लिए कैरियर है, मान लो ये जीनोटाइप ले लेते हैं, विच इज एन ऑटोसोम रिसेसिव ट्रेट है ना, तो देखना कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे और कुछ बच्चे ऐसे होंगे, और 75% बच्चे नॉर्मल होंगे और 25% बच्चों के अंदर थैलेसीमिया डिजीज होगी है ना, तो व्हाट आर द चांसेस ऑफ प्रोजेनी रिजल्टिंग इन अफेक्टेड चिल्ड्रन, 25% आंसर हो जाएगा, 75% नॉर्मल है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग हीमोफीलिया, ओके हीमोफीलिया एक एक्सलिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है, गलत हो गया, तो और इसके अंदर हीमोफीलिया ए की बात करें तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो फैक्टर नंबर 8 है उसकी कमी हो जाती है, और सेक्स लिंक डिजीज है ही और रिसेसिव है ही, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। सही देखना हीमोफीलिया के लिए, सेक्स लिंक डोमिनेंट नहीं, सेक्स लिंक रिसेसिव सही है,
एमिनो एसिड ग्लूटेमिक, ये तो सिकल सेल एनीमिया वाला है जिसमें रिप्लेस होता है, कॉमन टू बोथ मेल फीमेल नहीं, एक्स लिंक रिसेसिव है तो कॉमन है मेल में, ज्यादा मेल में होगा, फीमेल में चांसेस कम है क्योंकि फीमेल में दो एक्स होते हैं, मेल में एक ही एक्स होता है ना। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड। ए मेल, ए मैन हुज फादर इज कलर ब्लाइंड, ओके एक मेल है और इसके फादर जो है वो क्या है, कलर ब्लाइंड। अगर फादर कलर ब्लाइंड है तो उसमें एक्स पे जीन था, लेकिन इस मेल जो है उसमें तो फादर से वो एक्स आया ही नहीं ना, वाई आया, यानी ये मेल तो सही है फिर। ए मैन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड मैरिज विद ए वुमेन हु हैड कलर ब्लाइंड मदर एंड नॉर्मल फादर, ओके तो मदर तो है कलर ब्लाइंड और फादर क्या दिए, नॉर्मल फादर है ना, नॉर्मल फादर मतलब एक्स नॉर्मल है, कलर ब्लाइंड यानी एक्स डिफेक्टिव है ना, तो इस डॉटर के अंदर एक एक्स पे तो कलर ब्लाइंडनेस का जीन है, दूसरा नॉर्मल है ना, तो इनमें मैरिज अगर है तो देखना, तो एक्स 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 वाई एक्स सी एंड एक्स वाई, ये देखो तो व्हाट परसेंटेज ऑफ मेल चिल्ड्रन ऑफ दिस कपल विल बी कलर ब्लाइंड, मेल चिल्ड्रन जो इनके अफेक्टेड होंगे उसके रिगार्डिंग पूछ रहा है ना, तो अपने कॉम्बिनेशन कौन सा था, हाँ ये वाला कॉम्बिनेशन लिया अपने है ना, तो फादर के अंदर तो डिजीज थी नहीं ना, तो एक्स एक्स और एक्स वाई एक्स सी और ये देखो ये वाला, तो इसका मतलब है सन की बात की है तो 50% जो सन है उनके अंदर क्या होगी, डिजीज, और प्रोजेनी की बात करें तब भी 50% आएगा और डॉटर में डिजीज 0% आएगा, समझ रहे हो, तो सन का पूछा है कपल व्हाट परसेंट ऑफ मेल चिल्ड्रन, तो 50% मेल चिल्ड्रन अफेक्टेड है, 50% नॉर्मल है। ए कलर ब्लाइंड मैन मैरिज ए वुमेन, ए कलर ब्लाइंड मैन मैरिज ए वुमेन विद नॉर्मल साइट, ठीक है, हु हैज नो हिस्ट्री ऑफ कलर ब्लाइंडनेस इन हर फैमिली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर ग्रैंडसन बीइंग कलर ब्लाइंड, ठीक है, तो आप लोग देखें कि क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस वाला है, क्रिस क्रॉस, ये देखो कि फीमेल फीमेल फीमेल, इधर देखना मेल मेल, और यहां पे स्टार्टिंग में जो ट्रेट है वो किस में, फादर में है, कलर ब्लाइंड मेन, तो अगर ट्रेट फादर में है तो वो सन में तो नहीं जाएगा लेकिन वो डॉटर में मूव करेगा, समझ रहे हो, तो इसका मतलब है ये जो डॉटर इनकी होगी तो मदर से तो ये एक्स और फादर से ये वाला एक्स ही आ जाएगा। उसके बाद क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर ग्रैंड सन बींग कलर ब्लाइंड, उनके ग्रैंड सन के कलर ब्लाइंड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है ना, यानी अब इस डॉटर से ये जो एक्स मूव करेगा इसमें इसके कलर ब्लाइंड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है ना, इसका मतलब है ये फीमेल हो गई और इसके हस्बैंड को अपन यहाँ पर नॉर्मल कंसिडर करेंगे है ना, तो ये एक्स और ये एक्स सी, ये x और ये y, ये देखो x x नॉर्मल डॉटर, x y नॉर्मल सन, x c नॉर्मल डॉटर बट कैरियर, और ये देखना अफेक्टेड सन, सॉरी अफेक्टेड ग्रैंड सन उनके, लेकिन इनके अफेक्टेड सन होगा, तो इसका मतलब है अफेक्टेड अगर ग्रैंड सन की बात करेंगे तो वो 0.5 या 50% आंसर हो जाएगा। अब आप लोग कहोगे कि है ना वो पोते भी तो हो सकते हैं फादर साइड सन साइड से, लेकिन यहाँ पे आप लोग ये ट्रेड देखें कि ये स्टार्टिंग में फादर में है, इसका मतलब स्टार्टिंग में अगर फादर में है मेल में है तो वो डॉटर में गया, डॉटर से वो उसके सन में गया, यानी इनका ग्रैंड सन ये है और इसमें इसके थ्रू मतलब अपोजिट सेक्स वाली प्रोजेनी के थ्रू ग्रैंड सन में मूव कर रहा है, तो इसका मतलब है कि अपने को डॉटर के थ्रू जो सन प्रोड्यूस हो रहे हैं उनके रिलेशन में बात करनी है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 1, 50%। आगे देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है ना, ये वाला देखो,
क्रोमोसोमल डिसऑर्डर नहीं है, डोमिनेंट जीन डिसऑर्डर नहीं है, रिसेसिव जीन डिसऑर्डर तो है, लेकिन रिसेसिव जीन डिसऑर्डर तो ऑटोसोमल भी हो सकता है और एक्सलिंक्ड भी हो सकता है, और उसको यहाँ पर क्लियर किया गया। देखो एक्सलिंक्ड रिसेसिव तो ज्यादा सही कौन सा है, फोर से फर्स्ट। इफ कलर ब्लाइंड मैन, एक मेल है जो कलर ब्लाइंड है, मैरिज विद ए वुमेन हु इज होमोजाइगस फॉर नॉर्मल कलर विजन, ओके नॉर्मल कलर विजन के लिए होमोजाइगस है, यानी दोनों जीन डोमिनेंट है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सन बीइंग कलर ब्लाइंड, ओके है ना। तो अच्छा मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कलर ब्लाइंड मेन है ना, मेल की बात की है ना, तो ये नहीं लेना पड़ेगा। ये देखो मदर नॉर्मल है और फादर में कलर ब्लाइंडनेस है ना, तो सन का पूछा तो सन में तो फादर से एक्स जाएगा ही नहीं ना, फादर से तो वाई जाएगा, तो सन के कलर ब्लाइंड होने के चांस कितने होंगे, जीरो। थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया दोनों ही ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, और सिकल सेल एनीमिया की बात करें तो वो क्वालिटेटिव है, क्रोमोसोम नंबर 11 से रिलेटेड जीन है, और थैलेसीमिया अल्फा भी है, बीटा भी अल्फा 60 नंबर क्रोमोसोम से रिलेटेड है और बीटा वाला 11 नंबर से है। एक में अच्छे हीमोग्लोबिन की जो क्वालिटी है वो रिड्यूस हो जाती है और एक में क्वांटिटी कम हो जाती है ना, तो एक क्वालिटेटिव है और एक क्वांटिटेटिव है, तो देखें कि बोथ आर ड्यू टू क्वांटिटेटिव डिफेक्ट, नहीं, थैलेसीमिया इज ड्यू टू लेस सिंथेसिस, नहीं, ये चलो ठीक है, थैलेसीमिया इज ड्यू टू लेस सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन मॉलिक्यूल, सही बात है, क्योंकि थैलेसीमिया जो है वो क्वांटिटेटिव है। फिर सिकल सेल एनीमिया इज ड्यू टू क्वांटिटेटिव, नहीं, क्वालिटेटिव है, बोथ आर ड्यू टू क्वालिटेटिव डिफेक्ट, नहीं, सिकल सेल एनीमिया क्वालिटेटिव है और थैलेसीमिया क्वांटिटेटिव है, तो आंसर हो जाएगा कौन सा, सेकेंड। सेलेक्ट द करेक्ट मैच, ओके सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है, क्रोमोसोम 11 नंबर से रिलेटेड है, सही है, थैलेसीमिया एक्सलिंग नहीं, हीमोफीलिया वाई लिंग नहीं, फिनोल कीटोन यूरिया जो है वो रिसेसिव है, तो ये भी गड़बड़ हो गया, आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ए क्रॉस बिटवीन मेल फीमेल बोथ हेट्रोजाइगस फॉर सिकल सेल एनीमिया जीन, व्हाट द परसेंटेज ऑफ प्रोजेनी विल बी डिजीज, दोनों कैरियर है, यानी अगर दोनों पेरेंट कैरियर है तो प्रोजेनिक के अफेक्टेड होने के चांस 25% होते हैं। Which of the following occur due to presence of autosomal link dominant trait? अच्छा, autosomal link dominant myotonic dystrophy. ये XLR है, ये ALR है और ये ALR है. Autosomal link recessive, autosomal link recessive, X-linked recessive. और ये X autosomal dominant. If a color blind female, एक female है जो color blind है, marries a man who मैरिज ए मैन हुज मदर वाज ऑल्सो कलर ब्लाइंड, अच्छा एक मेल से मैरिज करती है जो जिसकी मदर कलर ब्लाइंड थी, तो मदर से उसमें एक एक्स जो आएगा वो कलर ब्लाइंडनेस वाला आएगा, यानी ये भी कलर ब्लाइंड है, तो देखना ये डॉटर इनकी कलर ब्लाइंड, ये सन इनका कलर ब्लाइंड, ये डॉटर इनकी कलर ब्लाइंड और ये सन इनका कलर ब्लाइंड, तो क्या पूछा है, What are the chances of her progeny having color blindness? Progeny में color blindness, तो सारी progeny में color blindness आ रही है, आप लोग देखें चेकर बोर्ड के थ्रू, ये देखो, ये देखो, तो डॉटर में दोनों ही कंडीशन में color blindness और सन में भी दोनों कंडीशन के अंदर color blindness, तो आंसर हो जाएगा थर्ड 100%। ए नॉर्मल गर्ल हुज मदर इज हिमोफिलिक, एक नॉर्मल लड़की है और उसकी मदर हिमोफिलिक है, अगर मदर हिमोफिलिक है तो उस डॉटर के अंदर हिमोफिलिया वाला जीन तो आया है, लेकिन फादर से नॉर्मल जीन आया तभी वो नॉर्मल है। मैरिज एन मेल विद नो हिस्ट्री है ना, मेल नॉर्मल है इसका मतलब, ओके क्या पूछा है, व्हाट विल बी द पॉसिबल फिनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग है ना, तो एक्स ए एक्स और ये वाई मेल फीमेल के बेटा ना, नॉर्मल डॉटर, नॉर्मल सन, कैरियर डॉटर और ये देखो अफेक्टेड सन है ना, केवल सन ही 50% अफेक्टेड होंगे, तो पहला देखते हैं हीमोफिलिक सन एंड हीमोफिलिक डॉटर, हीमोफिलिक डॉटर तो नहीं होगा, ये गलत हो गया, हीमोफिलिक सन आ रहा है सही है और कैरियर डॉटर भी आ रहा है, ये सही है, फिर नॉर्मल डॉटर आ रहा है एंड नॉर्मल सन भी आ रहा है, ये भी ठीक है,
नॉर्मल डॉटर, ये देखो नॉर्मल डॉटर, नॉर्मल सन भी आ रहा है, नॉर्मल सन ये रहा, एंड हीमोफिलिक डॉटर, हीमोफिलिक डॉटर तो है ही नहीं, गड़बड़ हो गया। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी एंड सी, फोर। ठीक है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। चलो अब देखते हैं कि सिकल सेल एनीमिया एंड हीमोफीलिया आर ऑटोसोमल डोमिनेंट, नहीं गलत है। सिकल सेल एनीमिया तो ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव है, और हीमोफीलिया जो है वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, गलत हो गया। सिकल सेल एनीमिया एंड हीमोफीलिया आर डिसऑर्डर ऑफ ब्लड, हाँ ये सही है कि दोनों ही ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर है ना। तो क्या स्टेटमेंट वन तो गलत है और टू सही है, ऐसा कहाँ है लिखा हुआ? ये रहा, स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ ट्राइजोमी, ओके डाउन सिंड्रोम ट्राइजोमी वाला है जिसमें 21 नंबर क्रोमोसोम डबल हो जाता है, क्लाइनफेल्टर ट्राइजोमी है एक्स क्रोमोसोम की, ये जो कैप्सूल साइज है धतूरा में ये भी ट्राइजोमी से रिलेटेड, लेकिन टर्नर सिंड्रोम मोनोजोमी है ये वाला, देखो 44 प्लस एक्सो वाला या 45 प्लस एक्सो कंडीशन है ना, ये मोनोजोमी का है। ह्यूमन फीमेल विद टर्नर सिंड्रोम की अगर बात करें तो उसमें 45 विद एक्स क्रोमोसोम कंडीशन है और एडिशनल एक्स नहीं है, मेल करेक्टर नहीं है, फीमेल करेक्टर ही है, कम डेवलप है लेकिन, और वो अनेबल है चाइल्ड प्रोड्यूस करने में क्योंकि ओवरी डेवलपमेंट होता ही नहीं, एक बनते ही नहीं उसमें। एन अबनॉर्मल ह्यूमन बेबी विद एक्स 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 कंडीशन है ना, सुपर फीमेल बोलेंगे इसको, सुपर फीमेल जिसके अंदर दो बार बॉडी होंगी, और ऐसा क्यों होगा? ऐसा एक ऐसे ओवम के कारण होगा जिसमें डबल एक्स होगा, तो फॉर्मेशन ऑफ अबनॉर्मल ओवा इन मदर। ए डिजीज कॉज्ड बाय ऑटोसोमल प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन, ऑटोसोमल की भी बात कर रहा है, तो ये तो एलोसोम है, ये भी एलोसोम है, ये मेंडेलियन डिसऑर्डर है जीन म्यूटेशन वाला, ये देखो ऑटोसोमल प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन 21 नंबर क्रोमोसोम ना, तो आंसर हो जाएगा 4। व्हाट इज द जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच एन इंडिविजुअल हैज एन ओवरऑल मैस्कुलाइन डेवलपमेंट, गायनेकोमेस्टिया एंड स्ट्राइल, ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की बात कर रहा है, इसमें ओवरऑल मेल के करेक्टर हैं लेकिन स्ट्राइल है, रिप्रोडक्शन नहीं करने में कैपेबल नहीं है, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट हो जाता है ना, तो फोर्थ आंसर हो जाएगा। इफ फीमेल इंडिविजुअल इज विद स्मॉल राउंड हेड फरो टंग पार्शली ओपन माउथ, ये तो आपको पता है डाउन सिंड्रोम जो है उसके करेक्टरिस्टिक्स के लिए है ना, और डाउन सिंड्रोम के अंदर 40 मतलब 21 नंबर जो क्रोमोसोम है वो एक्स्ट्रा हो जाता है, तो 47 क्रोमोसोम विद एक्स वाई वाई, ये गड़बड़ हो गया, ट्राइजोमी ऑफ 21 नंबर क्रोमोसोम हो जाएगा ना। ओके, हार्डी विनबर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा हुआ है कि एक पॉपुलेशन जिसमें 1000 लोग हैं जिसमें 360 जो है वो इस जीनोटाइप वाले हैं, 480 ऐसे जीनोटाइप वाले हैं, और बच्चे भी जो हैं वो इस टाइप के हैं, तो इसमें इस पॉपुलेशन में ए एलील की फ्रीक्वेंसी के रिगार्डिंग पूछा पी के रिस्पेक्ट में ना, तो जो अगर हम लोग देखें पी स्क्वायर तो कैपिटल ए के अकॉर्डिंग तो वो है 360 आउट ऑफ कितना 1000, तो सीधा आप लोग देखें कि 0.36 और जब इसका रूट लेंगे अपन लोग तो आ जाएगा 0.6 आंसर अपना। ठीक है, ए फैक्टर दैट लीड टू फाउंडर इफेक्ट इन पॉपुलेशन, फाउंडर इफेक्ट की अगर बात करें तो वो जेनेटिक ड्रिप से भी होता है, सॉरी द फैक्टर दैट लीड टू फाउंडर इफेक्ट इन ए पॉपुलेशन, ये जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है उसमें अपन लोग पढ़ते हैं कि सडन रैंडम चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए स्मॉल पॉपुलेशन, तो वो बॉटलनेक इफेक्ट से भी समझाया जाता है और फाउंडर इफेक्ट से भी है ना, तो फाउंडर इफेक्ट जो है वो किसका पार्ट है, किसका हिस्सा है, जेनेटिक ड्रिफ्ट का है, जिसमें किसी जियोग्राफिकली आइसोलेटेड एक छोटे आइलैंड पे कुछ किसी पॉपुलेशन के कुछ मेंबर चले जाते हैं, नई पॉपुलेशन बनाते हैं। ओके, कॉलम मैचिंग वाले डोमिनेंस की अगर बात करें तो किससे मैच होगा कि इन हेट्रोजाइगस ओनली वन एलील एक्सप्रेस, सही है। कोडोमिनेंस में इन हेट्रोजाइगस बोथ एलील एक्सप्रेस, प्लियोट्रोफी में सिंगल जीन इन्फ्लुएंस मेनी कैरेक्टर, सही है। पॉलीजेनिक में मेनी जीन गवर्न सिंगल कैरेक्टर, इस तरीके से आप लोग मैच कर सकते हो।
करेक्ट देखना है, हीमोफीलिया इज सेक्स लिंक रिसेसिव सही है, डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू एन्युप्लोइडी सही है, फिनाइलकेटोन यूरिया ऑटोसोमल लिंक रिसेसिव सही है, सिकल सेल एनीमिया एक्स लिंक नहीं है, ऑटोसोमल है, तो ए बी सी करेक्ट है अपना, ए बी सी कहा है ये रहा, ए बी सी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मेज्ड, ओके एक्सो ग्रास ऑपर सही है, टी एच मॉर्गन लिंकेज सही है, बीओ कोडोमेन सही है, स्टार्च मल्टीपल एलील नहीं, स्टार्च सिंथेसिस इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाला है, कैपिटल बी स्मॉल बी वाला, और प्लियोट्रॉफी से रिलेटेड मल्टीपल एलील वाला नहीं है। करेक्ट देखना है, स्प्लाइसियोसोम टेक प्लेस इन ट्रांसलेशन नहीं, स्प्लाइसियोसोम जो है वो अगर बात करें तो स्प्लाइसिंग की प्रोसेस है जिसमें इंट्रोन को हटाया जाता है और एक्सोन को जोड़ा जाता है आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के थ्रू, है ना। ट्रांसडक्शन के रेस्पेक्ट में साइंटिस्ट का नाम दिया है एस एल्टमोन, ये भी यहाँ पर अगर देखें तो गड़बड़ हो गया, और फिर पनेट स्क्वायर के रेस्पेक्ट में ब्रिटिश साइंटिस्ट सही दिया है, और फ्रैंकलिन स्टोन के रेस्पेक्ट में लिंकेज नहीं, ये तो टी एस मॉर्गन वाला है ना, ये भी गड़बड़ हो गया, तो आंसर हो जाएगा अपना थर्ड करेक्ट, टी एस मॉर्गन ट्रांसडक्शन नहीं, मेंडल के लिए ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, एफ टू रिसेसिव पेरेंट से, एफ टू का रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस हो रहा है, डाई हाइब्रिड नहीं, टेस्ट क्रॉस के रेस्पेक्ट में होता है, राइबोसाइम की अगर बात करें तो वो न्यूक्लिक एसिड है, ये वाला परफेक्ट हो जाएगा। ओके तो ये कुछ क्वेश्चन थे पी वाई क्यू के, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, है ना, और आगे के जितने भी टेस्ट हैं उसमें ऐसे मेहनत करते जाइए, अपने गुरु नीति के जो वीडियोज हैं उनको अच्छे से देख के और एनसीईआरटी को रिवाइज करते जाए, आई होप आपका सब कुछ आगे जो भी टेस्ट होंगे वो बेटर होते जाएंगे, ठीक है, ओके बेस्ट ऑफ लक।